हाँ जी अभिषेक, अभिषेक जी कैसे हाँ जी, हैं आप? प्रतीक जी बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। और कैसा लग रहा है? प्रतीक जी अभी तो प्रॉपर मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये मतलब क्वालिफाई हो गया कि नहीं हुआ, उसकी फीलिंग अभी मुझे हाँ। समझ नहीं आ रही। तो नहीं, अच्छा लगता है कि कोई इतने सालों से अगर प्रिपेयर कर रहा हो तो जी सक्सेस का फिर जी मजा ही एक अलग हो जाता है। हाँ जी हाँ जी प्रतीक जी, मेरी जर्नी काफी लंबी एक्चुअली हो गई थी, बिकॉज सर्टन फैक्टर्स से तो 6-7 साल लग गए लगभग। तो ऑब्वियसली आफ्टर 6-7 ईयर्स जब आपको कुछ मिलता है तो यू फील गुड, और बड़ी प्राउड की मोमेंट भी फील होती है, एक जी जी प्राउड जी फील। घर वाले भी काफी खुश हुए होंगे आपके, हाँ है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल, काफी खुश हुए वो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होते हैं हमारे साथ, तो हमारी जितनी स्ट्रगल होती है वो उनकी स्ट्रगल बन जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम खुश नहीं होते, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो भी वैसे ही उसी उसी मतलब फीलिंग में होते हैं वो भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, अपने होम टाउन के बारे में, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी और फिर कॉलेज वगैरह सारा। जी जी प्रतीक जी, मैं बेसिकली बिलावर से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे फादर की जॉब जैसे बसोली में थी, तो जो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग है सेकंड क्लास तक वो बसोली में हुई, सरस्वती निकेतन स्कूल था। उसके बाद हम कठुआ शिफ्ट हो गए, एंड फिर मिनर्वा पब्लिक स्कूल था मेरा, 3rd से लेके 8th तक वहाँ पे हुई। उसके बाद 8 से लेके 12th तक मेरी सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल में स्कूलिंग हुई मेरी। अच्छा, आफ्टर दैट फिर मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया इसका, जेके का BA LLB का लॉ स्कूल का। तो फिर 5 ईयर्स मैंने वहाँ पे स्पेंड किए। तो मेरे फादर जैसे खुद इंजीनियर थे, तो उन्होंने मतलब उन्होंने जैसे जो जॉब की थी इंजीनियरिंग लाइन को समझा था, तो उन्होंने मुझे एक चीज की कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो ये उनका ही डिसीजन था लॉ करने का। तो फिर लॉ स्कूल में 5 ईयर्स स्पेंड किए। तो उसके बाद फिर मैंने इमिडिएटली मैंने UPSC की कोचिंग करने में दिल्ली चला गया, बाजीपुर। आपका पास आउट कब का था? मेरा 2015 का पास आउट था, ओके ओके, ठीक 10 से लेके 15 तक, 5 ईयर्स का था। है ठीक है। जी 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 उसके बाद फिर मैं UPSC के, मेरा एक्चुअली शुरू से ही मेरा एम्बिशन था IAS का। तो मैं इमिडिएटली मतलब आफ्टर पासिंग आफ्टर द 5th ईयर आई वेंट टू दिल्ली। फिर मैंने बाजीराम से वहाँ पे कोचिंग वगैरह की, एंड अच्छा, जी जी फिर उसके बाद मैंने अटेम्प्ट्स भी दी अपनी, 17 और 18 की अटेम्प्ट दी मैंने, बट वो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हुआ मेरे से। तो फिर उसके बाद फिर जब मैंने एक इसका दिया KS का मैंने दिया 2018 का, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे से प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उस टाइम पे थोड़ा मेरे को सेटबैक, काफी बड़ा सेटबैक लग गया, क्योंकि 2-3 साल हो गए थे एंड कोई इवन मतलब प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा था, बिकॉज की थोड़ी ना प्री उस टाइम अनसर्टन काफी ज्यादा IAS का हो गया था, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, KS का भी पैटर्न जो चेंज हो था, गया था पूरा। हाँ उन्होंने बेसिकली जो था ना एक रैंडम क्वेश्चन पेपर सेट करना शुरू कर दिया था 17 के बाद, बिल्कुल सेवनटीन बिल्कुल, एटीन में। हाँ 16 के बाद। हाँ तो जैसे KS का था, तो हम UPSC के पैटर्न पे तैयारी करके गए 18 में, लेकिन KS का उन्होंने पूछा बिल्कुल फैक्चुअल जो GK पूछते हैं, बिल्कुल लाइक नाइट बिल्कुल। जेलदार हाँ, SSV की टाइप। तो उन्होंने जितने उन्होंने भी एक सैंपल पेपर भी चढ़ाया था अपनी वेबसाइट पे, हाँ, मुझे अभी भी याद है। तो एग्जैक्टली उसने इतना एग्जैक्टली ज्यादा मतलब वो कर दिया ना मिसगाइड, मिसगाइड कर दिया तो उसने, वो उसका एग्जैक्टली उस वजह से मेरा भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था 2018 एग्जैक्टली का। आपने बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल वही वही। उस हाँ सैंपल पेपर के चढ़ाने से इतने हाँ लोग मिसगाइड हुए ना, मैंने मैंने विजन के नोट्स पढ़े और पूरा एग्जैक्टली यूपीएससी लेवल की तैयारी की, लेकिन जब वहां पे पता चला तो एग्जैक्टली कि तरुण गोयल पढ़ के जा रही थी एक्चुअली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये बहुत तो सारे के साथ हुआ। और जो यहाँ की जो SSV की तैयारी कर रहे थे, तो उनको एक एज हो गया, उनका क्वालिफाई हो गया मैक्सिमम का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ चलो तो उन्होंने भी हार्ड वर्क किया था, बट एक थोड़ा सा हमारा मतलब एक पैटर्न जो था हाँ ना अलग हो बिल्कुल गया हमारा बिल्कुल, था। वो हम पकड़ नहीं पाए ना उस टाइम। हाँ तो वो फिर सेटबैक था एक काफी बड़ा, बट उस टाइम अच्छी बात ये हुई कि ये KS और जुडिशरी की पोस्ट कटी आई थी जून में, तो वो भी फॉर्म फिल किया हुआ था मैंने। तो बड़ा एक टफ टास्क था, क्योंकि मैंने कभी जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं की, कोई कोचिंग नहीं की थी, कोई बुक्स का नहीं पता था, तो लेकिन मेरे पास चॉइस भी नहीं थी कुछ। तो फिर मैंने प्री दिया, पढ़ के दिया, काफी पढ़ा था उसके लिए। तो प्री क्वालिफाई जब हुआ, तो फिर एक काइंड ऑफ मोटिवेशन आई कि यस अब ये चांस जो है इसको जाने नहीं देना। जी तो फिर मेंस के लिए काफी हार्ड कोर स्टडी भी की, नए थे कुछ पता नहीं था, पूछने की कोशिश की जिन जो सिलेक्ट हुए थे 2017 बैच से, उनसे भी कुछ से बात की, ज्यादा कुछ किसी ने बताया नहीं, मैं मतलब ज्यादा कुछ गाइडेंस मिली नहीं। तो फिर खुद ही मतलब खुद ही ट्राई करके बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मैंने पढ़ी, फिर थोड़ा सा नेट पे सर्च किया। तो जब मेंस दिया, तो मेंस मेरा काफी अच्छा हो गया था, और उसका रिजल्ट जो आया, तो मेंस में मेरा स्कोर भी काफी अच्छा था। फिर लेकिन कुछ गलतियां कर दी, कि जैसे आफ्टर मेंस मैंने फिर से UPSC पकड़ ली, मैंने आपका लॉ स्कोर कठोर कितना था लिया। उसमें?
उसमें था मेरा 512। ओके ओके, और इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स मिले होंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू द पीएससी ने एक रिप्लाई फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें मतलब जो मेरा रैंक था मेंस में वो 12 था। तो आई वाज आई थिंक फर्स्ट वन टू गेट आउट फ्रॉम द यू नो टॉपर्स एंड नॉट बीन एबल टू मेक इन द फाइनल लिस्ट। ओके ओके, इंटरव्यू एक्चुअली उसके बाद हुआ क्या कि मेंस की आफ्टर मेंस मैंने फिर से थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसके बाद भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया लॉ को। इंटरव्यू में थोड़ा सा मेरा कंसेप्चुअल पार्ट जो था, नॉलेज पार्ट लॉ का, वो लैकिंग था थोड़ा सा। तो और लक भी थोड़ी सी मैं बोलूंगा साथ नहीं थी उस टाइम मेरे, तो मार्क्स जो थे बड़े कम थे, कम दिए गए थे। तो फिर वहां से 12th से मेरा गिर के 42nd पे आ गया, और वो अल्टीमेटली फिर 8 से 10 नंबर से मेरा वो रह गया मुनसिफ का। तो उसके बाद फिर आपको पता ही, वो पोस्ट साइड 24 विड्रॉ होगी, बड़ा कुछ होगा वो सब, ने आपने भी भरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर कुछ हुआ नहीं 20 में। 2021 तो सब ऐसे ही ब्लैंक है, 22 में फिर ये सारे स्टार्ट हुआ था, प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इसका। मुझे याद है 1 जून से लेके 2018 से लेके 22 अगस्त 2019 तक ये था मुंसिफ का प्रोसेस चला था। फिर उसके बाद अक्टूबर में पोस्ट आई थी 24, वो भी एक महीने के बाद विड्रॉ हो गई थी। बिल्कुल। फिर 20 में कुछ खास हुआ नहीं, मतलब कुछ एग्जाम्स थे मेरे जो मैंने फिल किए थे, जैसे सेबी का था, आईपीपीएस का था, पर वो कोविड की वजह से सब मींस वो खराब हो गया, सब धुल गया सारा, सब कुछ धुल गया। तो उसमें फिर वेट के ही हम वेट ही करते रह गए पूरा ईयर। तो लास्ट में फिर एसएसबी का आया, शायद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, बट मैंने कभी उसमें मतलब फोकस नहीं किया एसएसबी के एग्जाम्स में, क्योंकि वो फुल थे कि शायद लॉ में कुछ आ जाएगा या केएस का आ जाएगा। तो फिर 21 में आपको पता है पीयू का आया और केएस का, दोनों साथ में आ गया। फिर उसके बाद जब आया, हम प्रिपेयर कर रहे थे, फिर से कोविड आ गया, फिर से ये सब, फिर प्री हुआ, वो क्वालिफाई हुआ, केएस का भी क्वालिफाई हो गया मेरा। फिर उसके बाद मेंस भी आपको पता है वो काफी वो हुआ, पोस्टपोन हुआ, फिर कोविड आया, फिर 22 में मेंस हुआ जब, तो पीयू का उसमें भी काफी आपको पता है इशू रेज हुआ था कि पेपर्स कुछ कॉपी हुए थे किसी सोर्स से, वो फिर रिट वगैरह ये सब वो सब आउट ऑफ सिलेबस, तो उसको रिजल्ट को भी काफी 7-8 मंथ लग गए थे। एंड इन बिटवीन आई थिंक केएस का मेंस भी था, हमारा क्लैश हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। 22 में ही क्लैश हुआ था हमारा पीओ के मेंस के इमीडिएट बाद था, तो मैंने वो अपेयर नहीं हुआ मैं उसमें। फिर जब रिजल्ट आया तो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो केएस में भी मैंने अपेयर नहीं हुआ था। तो उसके बाद आई थिंक पीएलओ की पोस्ट आई थी, है ना, वो एडवर्टाइजमेंट हुई सितंबर में हुई 2020। उसके इमीडिएट 1 मंथ बाद मतलब किसी ने होप नहीं किया था, 120 पीओ की पोस्ट आ गई, वो किसी ने होप नहीं किया था, वो मतलब एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। तो जब मार्क्स कार्ड आए इसके, तो मेरे को पता चला कि मेरे 823 मार्क्स थे, तो ओपन में कट ऑफ 824 था। तो एक मार्क्स से मेरा जो था इंटरव्यू कॉल जो थी वो रह गई थी। अच्छा अच्छा। उसमें सिलेक्शन तो ऑब्वियसली अगर मैं इंटरव्यू देता नहीं होती, क्योंकि मेंस में भी कुछ आप अगर मार्कशीट्स देखोगे तो थोड़ा लॉट सिस्टम सा मैं कहूंगा कि एग्जामिनर अलग अलग होते हैं, किसी को मार्क्स हमारे स्पेशल लॉ में ही दो मतलब काइंड ऑफ रेंजेस बनी हुई है, एक बनी है 40-80, दूसरी बनी है 140-160। एक पेपर में ही 80-80 नंबर का गैप बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कवर ही नहीं हो सकता कभी भी, तो उसको लक कह लें या इसमें लक भी बहुत रोल प्ले करता है जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल। लक फैक्टर मतलब अपनी मेहनत तो होती है, लेकिन लक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करता है, बहुत बहुत बड़ा। क्योंकि देखो जो 100 बच्चे अगर ओपन में जो इंटरव्यू दिया जिन्होंने, तो मुझे लगता है 100 और होगा जो उसी लेवल पे खड़ा होगा, बट बिकॉज ऑफ लक कह लो या उनकी पेपर चेकर्स अलग थे या समझ रहे हो। तो जैसे कि मैं आपको अपने मार्क्स अगर बताऊं, एविडेंस में मेरे 150 मार्क्स हैं और किसी के 150 है ही नहीं। इवन टॉपर्स के मैंने देखे 110, किसी को 80 दिए, 90 दिए, किसी को 120 दिए, तो उन्होंने भी उतना ही परफॉर्म किया था, लेकिन मेरे उसमें 150 है। लेकिन मेरे सीआरपीसी में 103 है और उसमें लोगों के 150 है, समझ रहे हो। तो वो कोई समझ नहीं आती चीज की कि हुआ क्या है, किसी को दिए, किसी को गिरा देते हैं, किसी को चढ़ा देते हैं, किसी को चढ़ा देते हैं। स्पेशल वन में आप देखोगे दो रेंजेस है, 40-80 और दूसरी 130-160, वो अनबिलीवेबल एक डिफरेंस है 80 मार्क्स थोड़ा रहता है।
उसमें मैं बोलूंगा कि लक फैक्टर बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा वो, तो स्केलिंग वेलिंग होनी चाहिए उसमें बिल्कुल तो होनी उसके बाद चाहिए। जब आपने पीएलओ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो कौन से मंथ से मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। मेरे को आज भी याद है कि मेरे एक फ्रेंड है हितेश्वर जी, हम पार्क में घूम रहे थे 1 अप्रैल 2022 की बात है, आफ्टर मीन हमारे, आपने ही वीडियो बनाई थी कि इतनी पोस्ट जो है पीएलओ की रेफर हुई, आपकी वीडियो हमने देखी, वो पेज देखा और हम बड़े एक्साइटेड हो गए कि यार समझ रहे हो कि ये पोस्ट आ गई। फिर उसके बाद हमने सिलेबस वेबस ढूंढा, हमें पता था कि एडवर्टाइज हो जाएंगी क्योंकि विद्वान पोस्ट है, जल्दी एडवर्टाइज हो जाएंगी। हम पढ़ने बैठ गए, मेरे को याद है मैंने ज्यूरिसप्रूडेंस की ब्रांच पे वीडी महाजन ये सब ले ली और मैं पढ़ने बैठ गया। एक डेढ़ महीना शायद हम पढ़े उस टाइम, तो उसके बाद पोस्टें एडवर्टाइज नहीं हुई। फिर हमने थोड़ा पता वता कराया तो हमें ये पता चला कि ये सिलेबस चेंज कर रहे हैं, पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ये मेंस रखेंगे। फिर हमने थोड़ा आरटीए किसी ने लगाई थी, थोड़ा हमें पता चला कि फाइनेंशियल कोड वगैरह ये है तो मेंस है, हम फिर मेंस पढ़ने लग गए, फाइनेंशियल कोड वगैरह ये सीआरपीसी वीआरपीसी। आफ्टर दैट फिर से चेंज हो गया वो, फिर से वो प्री और इंटरव्यू हो गया। तो फिर मुझे याद है कि ये मतलब कोई अगस्त से हमने प्रॉपरली फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इसके लिए। अच्छा, हाँ सितंबर में आई थिंक 28 अगस्त को नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन हम उससे पहले ही मतलब पढ़ने लग गए थे। तो फिर सितंबर में नोटिफिकेशन आई तो हम एक तो पीओ का रिजल्ट का बड़ा वेट कर रहे थे, आपको याद ही हम जाते भी थे, बिल्कुल बिल्कुल आप बनाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम पढ़ भी रहे थे, लेकिन जब 14 सितंबर को रिजल्ट आया तो वो बड़ा एक जिसका नहीं हुआ उसके लिए शॉकिंग था, और जिसका हुआ वो इंटरव्यू में बिजी हो गया, तो वो फिर थोड़ा सा टाइम बड़ा एक हमारे लिए जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ था बड़ा टफ फेस था वो। लेकिन हमें एक चीज क्लियर हो गई थी कि अब पीओ का इंटरव्यू नहीं है, तो हम फिर से हमने वो चीज पकड़ ली पीएलओ की। और इन द मिडवे आई थिंक 3 अक्टूबर को, मुझे डेट्स याद है सारी, 3 अक्टूबर को प्रॉपरली 120 पोस्ट जो है एडवर्टाइज होगी पीओ। चलो वो भी एक होप आया। और फिर हमें डेट नहीं पता थी, तो मुझे आज भी याद है कि 1 दिसंबर को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली कि कटे कटे पेपर आ गए 22 बिल्कुल और 29 जनवरी को, मीन्स दो गेस्टेड पोस्ट बहुत बड़ी लेवल 8 की, और उसमें 6 दिन का समय हमें मिला, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट अप्रोचेस, मतलब आपको पता ही है बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लेकिन एक था कि एक अच्छी बात ये हुई कि 50 डेज पहले हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल गई थी अकॉर्डिंग टू पीएससी फ्रॉम द पीएससी, तो उस हिसाब से फिर मैनेज मैंने बड़े उसी एक प्लानिंग के साथ मैनेज किया था। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में, बुक लिस्ट जो आपने क्या बुक लिस्ट थी? जी मैंने ना शुरू से ही मेरी नोट्स मेकिंग, शुरू से ही मेरी आदत थी कि मैं बुक्स काफी ज्यादा पढ़ता था। उसका मुझे नुकसान भी हुआ कि मैंने कंसोलिडेशन करना नहीं सीखी, मैं पढ़ता ही जाता था, लेकिन जब फेलियर्स लगे फिर मेरे को समझ आई कि बुक्स पढ़नी है और कंसोलिडेट करना है। तो बुक्स मैंने जो थी बड़ी वास्ट बुक्स रेफर की हैं, आप मेरी बुक्स भी अगर देखोगे तो मतलब सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। सीआरपीसी अगर मैं आपको बताऊं तो एक केलकर की बुक आती है, आरवी केलकर, जो बड़ी वाली केलकर है, वो काफी आई थिंक एक जैसे बच्चे को हैंड होल्डिंग अप्रोच होती है वो वैसे आपको पढ़ाती है केलकर। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने वो सारी पढ़ी है। मैंने बेयर एक्ट की अगर 483 सेक्शंस हैं तो मुझे लगभग 420-430 सेक्शंस बाय हर्ट रिमेंबर थी, एवरीथिंग एवरी पॉइंट एवरी मींस ऑर्डर, मतलब मुझे सब वो बाय हर्ट याद था सीआरपीसी। सीपीसी का मैंने पढ़ा है टकवानी पूरी मैंने पढ़ी है इसके लिए, और बेयर एक्ट बाय हर्ट एवरी ऑर्डर एवरी रूल ये सब मैंने पढ़ा, ठीक है। ज्यूरिसप्रूडेंस की मैंने कोई 2 से या 3 मैंने अच्छे से पढ़ी ब्रांच पे, और त्रिपाठी अच्छे से पढ़ी क्योंकि पहले मैंने पढ़ी ब्रांच पे, बट आफ्टरवर्ड्स मैंने जब पेपर एनालाइज किया तो मुझे लगा त्रिपाठी से पेपर आते हैं, फिर मैंने त्रिपाठी भी रेफर की। फिर एक बीडी महाजन थी उसको मैंने एज ए रेफरेंस यूज किया, वो काफी बड़ी बुक है। फिर इंटरनेशनल लॉ की जो है मैंने एसके ये पढ़ी, पहले मैंने यूपीएससी के लिए एसके कपूर पूरी पढ़ी थी, बट इस बार मैंने अग्रवाल चूज की, अग्रवाल अच्छी बुक थी और उसको सप्लीमेंट किया एसके कपूर से। कुछ चीजें थी जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे या जो भी देखा वो, फिर मुझे लगा कि दुखी से भी कुछ सप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर मैंने दुखी से सप्लीमेंट किया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एक टॉपिक आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो कि सोर्सेज ऑफ लॉ में आता है आईसीजी के सोर्सेज, ठीक है। उसमें वो केसेस पूछते हैं कि कौन सा रेस जुडिकेटा किस केस में आया था, स्टॉपल किस केस में आया था, समझ रहे हो। तो वो लिस्ट मुझे लगता है इसमें दी हुई है, दुखी में दी हुई है। तो वो सारे कोई 10-12 थे जो भी थे, वो भी मतलब उस तरह से मैंने सप्लीमेंट किए। फिर टॉट्स के लिए मैंने यूपीएससी के लिए भी काफी मैंने पढ़ा था उस टाइम, और मुंसिफ के लिए भी टॉट्स पढ़ा था, के लिए मैंने बांगिया ही चूज की। बांगिया का बट ऐसा था कि एक एक पेज एक एक केस मुझे याद था, फैक्ट्स विद नेम, एवरी केस एवरी फैक्ट्स, मतलब मुझे एक एक पेज का याद था मुझे। तो कंट्रैक्ट के लिए मैंने बांगिया पढ़ी थी, और अवतार सिंह मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ी थी और मुंसिफ के लिए पढ़ी थी, बट इस बार मैंने बांगिया को मेन फोकस रखा, अवतार सिंह को थोड़ा बहुत यहाँ सप्लीमेंट करना था, प्लस डायरेक्ट।
और उसके बाद आईपीसी तो पिलाई मैंने मुंशीपुर पीओ के लिए पिलाई पड़ी थी और सप्लीमेंट किया था केडी कोर से। तो प्लस बेरेक्ट, बेरेक्ट मीन्स आई थिंक अगर 511 सेक्शंस हैं तो कोई 300 350 सेक्शन मैंने बाई हर्ट मतलब लर्न की याद होंगे। हाँ सारी तो नहीं मैं बोलूंगा बट हाँ 300 तक मेरे मतलब पता था मुझे। ठीक है उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ मतलब हाँ वो तो यूपीएससी बिल्कुल पीओ में मुंसिफ में। तो कॉन्स्टी में मैंने जो पहले बुक पढ़ी है वो है बीएन शुक्ला, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट बुक बट ब्यूटीफुल बुक, लेकिन वो उसको कंसोलिडेट करना बड़ा टफ है बट मैंने पढ़ी थी वो। फिर मैंने इस बारी मैंने जेएन पांडे उठाई और मुझे वो बहुत ही अच्छी बुक लगी जेएन पांडे। तो फिर आपने नोट्स बनाए थे क्या हाँ मैं इनसे? आपको बताता हूँ। देखो पहले मैंने 2 से 3 या 4 बार मैंने इनको पढ़ा है फिर से फ्रेशली मतलब जब पीएलओ के लिए पढ़ा, उससे पहले तो काफी पढ़ा है पीओ और मुंसिफ के लिए, लेकिन इस बारी मैंने 2 से 3 बार मैंने पढ़ी बुक्स पहले, फिर मैंने इनके डिटेल्ड नोट्स बनाए मतलब जीरो से स्टार्ट किया मैंने, प्री के बेसिस पे नोट्स बनाए तो क्योंकि मेंस के अलग होते हैं। ये बताना कब स्टार्ट किया ये आपने? मैंने किया स्टार्ट मेरे को लगता है कि कोई सितंबर में स्टार्ट किया मैंने, समझ रहे हो, सितंबर में स्टार्ट किया मैंने और काफी हार्डकोर मैं इसके लिए गया था क्योंकि मेरा जब पीओ का प्री भी नहीं मीन्स नहीं निकला तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ भी मतलब काफी बड़ा वो एक सेटबैक था। तो फिर मैंने डिटेल्ड नोट्स बनाए, मैं वो स्कैन करके शेयर भी करूंगा, हालांकि मुझे लगता है इतने काम नहीं आएंगे क्योंकि ये सिर्फ प्री बेस्ड एग्जाम के लिए ही काम आएंगे क्योंकि आगे कोई आएगा नहीं, समझ रहे हो। तो मैंने सीआरपीसी के मतलब डिटेल नोट्स ही बोल लो प्री के लिए बनाए, सारी सेक्शन ए टू जेड जेड मैंने नोट्स बनाए, फिर आईपीसी के सारों के मैं कुछ नहीं मैंने छोड़ा। मैंने एक टॉपिक छोड़ा था वो था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉट का, वो पेपर में आया और वो मेरे से सही नहीं हुआ, वो मेरे 1.25 मार्क्स गए वहां से। तो मुझे वो दुख लगा कि यार एक टॉपिक मैंने नोट्स नहीं बनाए थे उसमें से क्वेश्चन नहीं आया मतलब हो गया नहीं हुआ मेरे से, तो अदरवाइज मैंने सारे नोट्स वोट्स बनाए थे। तो एक जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक केस था डॉट में, मुझे अभी भी पेज नंबर भी शायद पेज नंबर तो याद नहीं होगा बट मुझे याद आ रहा है, उसमें क्या था कि नेग्लिजेंस का था कि एक फैक्ट्री में जैसे ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, उन्होंने क्या किया फैक्ट्री बंद नहीं की, उस पर सारडस्ट फेंक दी, ठीक है, तो जो वर्कर थे वो एक वर्कर वहां पे स्लिप हो गया, उसको लगी इंजरी हो गई। अब बात थी कि क्या फैक्ट्री लाइबल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं फैक्ट्री की जिम्मेवारी थी, जो आर्गुमेंट थे उनकी फैक्ट्री की जिम्मेवारी थी कि आपको फैक्ट्री बंद करनी चाहिए थी। कोर्ट में कहा कि नहीं क्या इतनी नेसेसिटी है, एक फैक्ट्री बंद करोगे इतना वर्कर जो है वो उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है उसको देख के डिसाइड होगा कि क्या ये सही था सारडस्ट फेंकना सही था या फैक्ट्री बंद करने थी। आप अगर हमारा पीएलओ का पेपर देखो उसमें एज इट इज ये केस आया है फैक्ट बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, समझ रहे हो, एज इट इज। और मुझे पता था ये किस पेज से आया है, किस पेज नंबर, क्योंकि मैंने हर एक केस आपको मैं अगर नोट शेयर करूंगा हर एक केस के मैंने फैक्ट्स विद नेम। तो आपने कोई एमसीक्यू बुक भी रेफर की थी इसके लिए? बिल्कुल सर बिल्कुल, एमसीक्यू मेरा यूपीएससी कभी प्री नहीं निकला, रीजन बीइंग जब मैंने समझा उसको कि मैं पढ़ता जाता था, मैंने एमसीक्यू कभी नहीं किए, किए भी तो बाई हर्ट नहीं किए, मेरा पीएस का प्री नहीं निकला 18 का क्योंकि मैंने एमसीक्यू नहीं किए थे। इस बार मैंने वो चीज अप्लाई की, मैंने कहा पढ़ना भी है नोट्स भी बनाने हैं और इक्वल वेटेज एमसीक्यू। एमसीक्यूज के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफर की? एमसीक्यू के लिए सर मैंने एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था साहिल जी जो पीओ लगे हैं, तो हमने उस टाइम उनसे उनकी सिंगल की बुक्स ली और जीरोक्स करा ली थी हमने, तो वो हमारे पास जीरोक्स थी, मैंने खरीदी नहीं थी वो हमारे पास जीरोक्स थी सिंगल की। और उसके बाद नीतीश जी ने एक बुक बताई थी जो पीओ लगे हैं अभी, उनसे भी हमने काफी सीखा, हमने काफी कॉम्पिटेंट इंसान है, उन्होंने एक बुक बताई थी विनय कुमार गुप्ता की यूनिवर्सल की, वो भी मैंने खरीद ली। फिर मैंने एक ओपी त्रिपाठी की बुक थी वो भी खरीदी थी। तो जो सिंगल थी इसमें तो काफी डिटेल्ड एमसीक्यू है, यूपीएससी से लेके बिहार जुडिशरी उत्तर प्रदेश जुडिशरी हर जुडिशरी का इसमें कवर है। अगर लगभग मैं बताऊं कॉन्स्टी का कोई 2500 एमसीक्यू है इसमें, 2500। आईपीसी का मुझे याद आ रहा है कोई 2000 एमसीक्यू या उससे लगभग उतना था, सीटीसी का एग्जैक्ट मुझे पता है 1400 एमसीक्यू था, 700 प्लस 700 का, 700 सेक्शन 700 ऑर्डर के एमसीक्यू थे, ठीक है। सीआरपीसी का भी कोई इसमें 1700 एमसीक्यू था, टॉट का इसमें था कोई 600 700 वैसे ही इंटरनेशनल का 600 700 था। तो ये मैंने बाई हर्ट एक बार नहीं कोई 3 से 4 बार मैंने ये सॉल्व किए, समझ। फिर इनके मैंने थोड़े से सिनॉप्सिस बनाए कि जो जो मेरे से नहीं होता था या जो पॉइंट मिलता था मेरे को वो मैंने सिनॉप्सिस के तौर पे तैयार किया। फिर सेम मैंने यूनिवर्सल का तैयार किया, यूनिवर्सल का कॉन्स्टिंग का कोई 1100 एमसीक्यू था, क्वालिटी एमसीक्यू, बहुत टफ एमसीक्यू, क्वालिटी एमसीक्यू था वो मैंने 2 3 बार सॉल्व किया। फिर मैंने सीपीसी का कोई 400 500 उसमें था वो सॉल्व किया, वो भी काफी क्वालिटी था। आरबीसी का काफी टफ एमसीक्यू थे वो भी सॉल्व किया, मतलब जो जो इसमें था वो मैंने सारे सॉल्व किए।
क्वार्टरी थी वो सॉल्व की। फिर मैं प्रिंट, मेरे पास एक यूनिवर्सल की बुक थी जिसमें कि डिफरेंट जुडिशरी के एज इट इज पेपर से मैंने यूपी के सॉल्व किए, यूपी का क्योंकि हमारा सिलेबस जो था मैचिंग था थोड़ा सा, यूपी के चार पांच मैंने पेपर सॉल्व किए। फिर मैंने थोड़े से मैंने इसके किए एमपी के सॉल्व किए, डीजीएस के सॉल्व किए। तो फिर नेट से भी मैंने मैंने कहा कि यार कभी कभी ये नेट से भी पिकअप करते हैं तो छोड़ना। फिर जब भी मैं क्या करता था, नेट पे टाइप करता था कि एमसीक्यू फॉर ज्यूरिसप्रूडेंस, तो जो जो मिलता था ना मैं उसको भी पढ़ लेता था कि ताकि अगर यहाँ से भी ये उठाए तो आप पास कार्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि खुद से तो वो तैयार करेगा नहीं ना, कि खुद से थ्योरी तो वो बनाएगा नहीं, एमसीक्यू तो कहीं से ना कहीं से आएंगे उठाएगा ही, सही बात है। वो एक एमसीक्यू उठाएगा किसी सोर्स से, दूसरा उठाएगा, बट आपको जब इतने ज्यादा एमसीक्यू कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने कोई अगर आप गिनू तो 10,000 से प्लस ही था एमसीक्यू, क्योंकि ऐसे अगर आप आइडिया दूं तो जूरिस का कोई 600 700 एमसीक्यू सिंगल में है, त्रिपाठी में कोई 400 था, फिर और भी मैंने नेट वेट से तो कोई 1400 एमसीक्यू मैंने जूरिस का किया था, सेम इंटरनेशनल का किया था, टीआरपीसी का कोई आई थिंक 2000 प्लस एमसीक्यू मैंने किया था। तो इस तरह से कोई 10,000 से ऊपर ऊपर ही मैंने एमसीक्यू किए थे, और वो भी कोई 3 से 4 बार मैंने किए थे। तो उसके फिर मैंने जो मेरे पॉइंट्स थे मैंने पहले उस पे मार्क किए, मार्कर से मार्क किए, फिर मैंने उसके सिनॉप्सिस बनाए थे, तो मतलब इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था। चलो बहुत अच्छा, आपने बहुत मेहनत की है। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू की जब बारी आई तो अब आप कह रहे हो कि उसके लिए आप एक अलग से जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है आप पूरा जो भी आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है तो वो आप अलग से शेयर करोगे। जब मैं मतलब इंटरव्यू दे के आया, पहले तो मुझे एक इंटरव्यू का बड़ा सा डर था क्योंकि मुंसिफ में मेरा आउट ही इंटरव्यू की वजह से हुआ। मुंसिफ में मतलब 12th रैंक में पहला, मेरे को लगता है पहला बंदा था मैं जो 12th रैंक वाला बाहर हुआ। एक हमारे सीनियर है वो भी बड़े इंटेलिजेंट है, राहुल शर्मा जी बैंक में लगे हो, उनका 13th रैंक था, वो आउट हुए थे। हमारी एक क्लासमेट है इश्विन गौर, शी गॉट सिलेक्टेड इन पीएलओ आउट, वो आई थिंक 15-16 रैंक पे आउट हुए थे। एक हमारे पवनदीप मैम है वो भी आउट हुए थे। तो हम सबको जो नंबर दिए थे इंटरव्यू में वो 60 से कम दिए थे, मतलब हमें मिले थे शायद, मतलब हमारा इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ होगा तो 60 से कम नंबर थे, तो हम सारे आउट हो गए थे उसमें। इस बार मुझे काफी डर था, तो फिर थोड़ा सा डर भी था, फिर मैंने काफी लोगों को कॉल किए, जैसे जिनका शुरू में था बीपीन आमला जी से बात हुई थी मेरी, और भी काफी जिनके थे ना जिनके शुरू में थे, तो मैंने उनको कॉल वॉल किया, तो फिर उनसे थोड़ा समझा, तो फिर इंटरव्यू जब दिया तो थोड़ा ठीक हो गया था मेरा। आई थिंक कोई 19-20 मिनट का गया था, जनरली कोई 15 मिनट का जा रहा था या 17 मिनट का जा रहा था, मेरा थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा गया था। तो जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो मैंने पेन कॉपी उठाया और उसकी ना एक ट्रांसक्रिप्ट एज इट इज, मतलब जो जो क्वेश्चन थे मैंने वो लिख लिए थे। लिख लिए थे आपने? क्योंकि वो आपको सारे फिर याद रहते हैं फ्रेश। जैसे मैंने बाकियों से बात की थी जो पीओ सिलेक्ट हुए तो उनको याद नहीं थे कि क्वेश्चन क्या पूछे, तो मैंने वो सारे लिख लिए थे कि ताकि किसी का कल को इंटरव्यू हो तो काफी हेल्प हो जाती है, एक आइडिया मिल जाता है कि व्हाट आर दे आस्किंग। तो उसको मैं टाइप करके भी एज इट इज लिख सकता हूँ या उसको रिकॉर्डिंग करके भी मैं मतलब कर दूंगा। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप पीडीएफ शेयर करना चाहते हो तो आप पीडीएफ शेयर कर देना, कर दूंगा वो मैं डाल दूंगा अपने वीडियो में, या फिर अगर आप रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हो या दोनों ही भेज देना तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो फिर हम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। मैं सोच रहा था अपने नोट्स भी शेयर करूं, बट मैंने थोड़े किए तो मैंने देखा राइटिंग बड़ी गंदी है मेरे, वो मेरे अपने हिसाब से मैंने बनाए हैं। मैंने भी देखे थे आपके नोट्स, आप शेयर कर सकते हो उसमें कोई नहीं, जिसको देखो आप शेयर करो, सीआरपीसी के शेयर करो, कॉन्स्टिट्यूशन के शेयर करो, क्योंकि वो पीओ में भी काम आएंगे, क्योंकि बच्चे, क्योंकि अभी इंटरनेशनल लॉ वगैरह का किसी को अभी है नहीं उसमें इंटरेस्ट। मैं बताता हूँ आपको, हमने एक बात सुनी है, अब वो सच है कि नहीं है, कि 9 posts have been created of PLO, अभी सच में नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है, ऐसा सुना है कि ये जल्दी शायद एडवर्टाइज हो रहा है, सुनने में आ रहा है। अब 9 posts है ओपन की, उसमें 4 या 5 होंगी, कंपटीशन होगा कट थ्रॉट, तो आई थिंक नोट्स, देखो किसी के नोट्स पढ़ के तो नहीं कुछ मिलता, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है बिल्कुल, क्योंकि आपका रास्ता जो होता है ना, कहते हैं ना फुटप्रिंट्स पहले बनाना मुश्किल होता है लेकिन उससे चलना आसान होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे एक आइडिया मिल सकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो मेरे सारे बिल्कुल बिल्कुल वो शेयर करो आप, मैं उसको स्कैन करके, आराम से थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्कैन करके कोशिश करो कि सारे जो नोट्स है ना, जैसे मान लो आप इसके करोगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो एक ही पीडीएफ हो, मतलब वो अलग अलग ना हो, कि अलग 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 हो जाते ना फिर, वो ज्यादा लंबी हो जाएगी काफी ज्यादा, फिर मतलब जितने कम पार्ट्स हो उतना अच्छा रहेगा ना, क्योंकि कम पार्ट्स हो वो मैं बोल रहा हूँ।
ठीक है वैसा भी कर दूंगा वैसा हाँ, कर दूंगा। तो फिर बाकी जो आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, तो मैं या तो इसी वीडियो के साथ उसको जोड़ दूंगा, नहीं तो मैं वो अलग हाँ वीडियो में हाँ वो डाल दूंगा, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मैं अपनी तरफ से देखो मेरी भी स्ट्रगल काफी लंबी रही है, और मैं सच बोलूं तो आफ्टर माय इंटरव्यू मुझे होप मतलब मुझे पता था कि शायद हो जाए, बट मुझे होप एक थोड़ा सा लूज कर चुका था मैं। तो मैं एट दिस स्टेज भी मैं ये डिसाइड कर रहा था कि कठुआ में प्रैक्टिस करूं जम्मू में करूं, वो कैसे देना है, नहीं हुआ तो फिर क्या करूंगा। तो वो कब चेंज हो गया मुझे पता नहीं चला। तो अब जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी काफी देर से सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, उनके लिए देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीओ की। उसके बिल्कुल। बाद मुंसिफ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो पहले नहीं आई, आगे नहीं आएगी, अभी आएगी, हाँ, अब आ रही है वो। अब आ रही है। और ये मूवमेंट है, ये 70 पोस्ट लगभग आएंगी, पीओ की 120 है। इसमें टाइम अगर कम है कोई बात नहीं, देखो टाइम क्या होता है ना, सिचुएशन के हिसाब से भी दिए जाएंगे, शायद आप तब भी उतना ही करोगे जितना आपने बिल्कुल 2 महीने बिल्कुल। में करना है। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि सबको छोड़ दो, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप मैं नहीं चलाता था, मैंने अभी स्टार्ट किया चलाना, मैंने पिछले 7 साल में नहीं चलाया, ठीक है अभी स्टार्ट किया, तो छोड़ दो, 2 महीने छोड़ दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सब कुछ छोड़ दो, लाइब्रेरी जाओ, घर में बैठो, बुक्स पढ़ो, जैसे भी आपको करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, बातें करो, जो सिलेक्ट हुए उनसे पूछो यार। मैं आपको सच्ची बोलूं, आई वांट टू थैंक नीतीश जी एंड तरुष जी, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरे को काफी मतलब उन्होंने मेरे को बात की, तरुष जी ने भी काफी इंटरव्यू के लिए मेरे से बात की, नीतीश जी ने ऑब्वियसली करते रहते थे वो, तो वो भी हेल्पफुल हुआ। नीतीश जी तो बहुत ही ज्यादा वो हाँ है, उन्होंने हेल्पफुल है ऑब्वियसली उनके लिए। हेल्पफुल है। हाँ मुझे पता है उनकी स्ट्रगल आई थिंक 17 से स्टार्ट हुई, मेरी 15 से स्टार्ट थी, लेकिन हम मैंने काफी रिलेट किया उनके साथ, क्योंकि उन्होंने भी IAS का किया था, फिर मुंशी ये सब वो सब, तो फाइनली उनका PU में हो गया था। तो वही मैं उन्होंने तरुष जी से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा यार देखो हम भी पूछते थे, हमने शर्माया नहीं कभी, क्योंकि अपने फायदे के लिए पूछना है, किसी के फायदे के लिए तो है नहीं, कोई शर्म बिल्कुल करनी नहीं है बिल्कुल। इसमें, यहाँ से जो मिलता है वो ले लो। तो अभी जो PO लगे हैं या PLO लगे हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हो, तो पढ़ो अच्छे से, ये मौके दोबारा नहीं आएंगे लाइफ में। 120 एंड मुंशी 70, और आई थिंक लीगल असिस्टेंट की है, हाँ, लेकिन वो हाँ, कम ही होंगे आई थिंक। और शायद आपकी वाला भी हमने सुना कि वो भी फंसा ही हुआ है, वो भी निकल जाएगा, मैं यही दुआ करता हूँ कि वो बिल्कुल भी बिल्कुल, क्योंकि अब उसके उसमें साथ भी जाए। कंपटीशन हाँ कम हो गया है, तो चांसेस हमारे भी उसमें काफी आपका ज्यादा। अभी बहुत ज्यादा चांस, काफी ज्यादा नहीं मतलब मैं बोलूंगा बहुत चांस है आपका, अगर जैसे ऐसे निकलते जाते हैं लोग ना तो अच्छी बात है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हम तो मैं, ट्राई कर रहे हैं कि उसका स्टेज जो है वो वेकेट हो जाए, तो चलो हाँ देखते यार हैं। विकेट होना चाहिए, कोई रीजन नहीं है ये, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। एक क्या बोलूंगा मैं कि फ्रस्ट्रेट करने के लिए पर्पज है, तो कोई कुछ है नहीं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये पढ़ते जाओ यार, जब तक मिलती है, नहीं मिलती है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, प्रैक्टिस करो जो भी है, मतलब बी प्रिपेयर्ड मेंटली प्रिपेयर्ड रहो आप। और मैं एक और चीज थोड़ी सी शेयर करूंगा कि जैसे जब हमें पता चला 1 अप्रैल को एग्जैक्टली कि इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के 4 मार्क्स हैं, मेरे पास वो थी नहीं, मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने IAS की तैयारी में पढ़ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ढंग से की मतलब मैंने नहीं परस्यू किया, तो उसमें जब मैंने कैलकुलेट किया 4 मार्क्स मीन्स 6 से 7 क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि आपको अगर आप बेस्ट से बेस्ट लो कि टॉपर से आपको, मेरा ये माइंडसेट था कि 6 से 7 क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। तो अल्टीमेटली शायद जब मैंने अभी अभी देखे, मेरे को मार्क्स भी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करने आए थे, लेकिन जब मैंने अब कैलकुलेट किए तो टॉपर से शायद इतने मार्क्स का गैप है, समझ नहीं, लो। आप तो रिटर्न में शायद टॉप कर रहे हो आप इसमें, पीएलओ रिटर्न में। में सर 70 मेरा बनता है, मैंने अभी कैलकुलेट किया 76 बन रहा है शायद, है ना। 76। तो एक लड़के के हैं जो जवाद है, जो शायद जवाद है, उनके हैं 72 73, अदरवाइज 65 67 से ऊपर बहुत कम लोग हैं, कोई है नहीं हाँ अभी हाँ लोग। बिल्कुल बिल्कुल 70 से ऊपर तो एक एक मैं हूँ और एक जवाद है, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई है नहीं। बाकी मुझे लगता है कि 50s में भी जिनका स्कोर था वो भी सिलेक्ट हुए हैं। जो 55 के अबव थे हाँ ना, 53 54 वाले भी सिलेक्ट हुए हैं। हाँ वो 53 का तो नहीं मुझे एग्जैक्टली पता है, लेकिन 55 अबव वाले सारे सिलेक्ट हैं। तो मुझे बस ये था कि LLM मेरे पास है नहीं, 4 नंबर में पहले डिसएडवांटेज हूँ, 4 4 नंबर दैट मीन्स 6 7 क्वेश्चन, तो मुझे ज्यादा करना है। तो जब मैंने वो सोच रखी तो एग्जैक्टली इतना ज्यादा ज्यादा हो गया कि मैं देख रहा था कि अगर मुझे इंटरव्यू में 25 में से वो 3 या 4 नंबर भी देता तब भी मैं इन, समझ बिल्कुल बिल्कुल। रहे हो।
लेकिन आप डर बहुत रहे थे जब मैं आपसे बात करता था उस टाइम। तो डर इसलिए रहा था कि उस चीज में मैं सेम पोजीशन से आउट हुआ था, बिल्कुल टॉप पे बैठने के बाद आउट हुआ था मैं। पीयू में आप मानोगे नहीं, आज जब आउट हुआ तब मुझे पता नहीं था कितने नंबर से आउट हुआ, तब मुझे ये लगा बुरा लगा कि मेरे से ऊपर 100 बंदा है, तो मेरा और शायद मुझे लगा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मुंशीफ का, ये आ गया। वो जब मार्कशीट आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक नंबर से रहा है, 823 मेरे मार्क्स से 824 कट ऑफ था, तो 1750 में से एक नंबर की वैल्यू जो होती है ना बड़ी प्रोपोर्शनेट कम होती है, 0.00 कुछ ऐसा होता है। हालांकि मैं सिलेक्ट नहीं होता लेकिन एक इंटरव्यू दे देता, तो वो मुझे ना डर सा बैठ गया। केएस का भी ये बड़ी बार मेरे साथ हुआ, मेंस नहीं दे पाया, कभी कहीं बैंक ये था स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, उसमें एक बार मैं आधे नंबर से रह गया था। तो एक बार मैंने दिल्ली का दिया था, वो भी मेरा काफी अच्छा रैंक था, पर कुछ था वो लोकसभा का पेपर था, वहां भी मेरा पॉइंट से कुछ रह गया था। तो अब आगे आप कोई देना चाहोगे जैसे केसीएस है या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है? अब मुझे लगता है कि मैं काफी देर से पढ़ रहा था, तो अब थोड़ी अब बस भी हो गई है और अब जब सिलेक्शन हो गई है तो मुझे लगता है वो मोटिवेशन आना भी मुश्किल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पीओ का सेम रैंक है, सेम लेवल है, और तो वो अब मोटिवेशन आना बड़ा मुश्किल है। वो तो मुंसिफ का आता है तो अगर बिजी नहीं हुए, अगर थोड़ी मोटिवेशन आएगी तो पढ़ लेंगे, है ना। आप तो आराम से, हाँ अगर पढ़ा गया तो पढ़ लेंगे, नहीं गया तो सेटिस्फाई रहेंगे इसी में ना। तो चलिए अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी जो जर्नी है वो शेयर की, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे से आपने डिटेल में शेयर किए हैं, और जो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है वो अलग से मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा वो ट्रांसक्रिप्ट आपकी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अच्छा।